गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिक्स स्टैंडर्ड. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट. होप यू रीड दिस चैप्टर एंड सो मेनी स्टूडेंट हैव डन होमवर्क एंड सेंड मी ऑल्सो. इट्स वेरी गुड. ओके, बट वॉट अबाउट द अदर्स? दे ऑल आर नॉट डूइंग वेल. वाई? ओके, वी हैव बीन स्टडिंग दिस डिजास्टर मैनेजमेंट दैट वी सीन ऑलरेडी. द डिजास्टर मैनेजर इज दैट डिजास्टर विच इज sudden event that cause the large scale of damage of life, property, social aspect of nation or society is called disaster. ये हमने देखा कि disaster होता क्या है. तो उसके बाद हमने earthquake, floods, okay, as well as we seen about storm, effects of storms and forest fires also we have already seen. Now we have been studying the remedial and preventive measures. Disaster तो है लेकिन उसको manage करना है. It's called disaster management. And remedial and preventive measure is the part of disaster management. Okay, यह क्या है? Remedial और preventive measures. Remedial means उनको क्या क्या सेवा सुविधा दे सकते हो, और preventive means अगर disaster होने वाला है, हमको जानकारी मिल गई है तो हमको क्या करना चाहिए. समझ में आया आपके? ओके, नाउ सी द रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टेक बिफोर और इन इवेंट ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर. डिजास्टर होने के पहले या हो रहा है तब या होने के बाद हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं. कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज एंड बुलेटिन. अगर कुछ डिजास्टर जैसे हो रहा है, जैसे कि फ्लड चल रहा है आजकल, ओके, तो उस वक्त आपको क्या करना है? यू मस्ट वॉच टीवी एंड रेडियो न्यूज. हाँ, टी वी देखना मीन्स टी वी के चैनल देखने लगे, कार्टून के पिक्चर्स मूवी सब देखने लगे, टी वी सीरियल देखने के लिए ऐसे नहीं है. आपको टी वी पे जो बुलेटिन आता है, न्यूज़ आता है, वो आपने देखना है और आपको खुद को अपडेट रखना है. ओके, यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज एंड मोबाइल्स. यूज़ बैटरी ऑपरेट करिए अगर रेडियोज और मोबाइल के लिए. हीड्स द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके हमको बताता है कि क्या होने वाला है, फोरकास्ट देता है ना. तो आपको वो उसका जो वार्निंग है, उन्होंने जो भी जानकारी दी है उसको आपको फॉलो करना है. ओके, यूज़ द वेबसाइट www.imd.go.in. ये जो वेबसाइट दी गई है इसको आप विजिट करके आपको जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन या आपके डाउट क्लियर कर सकते हो. तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको ये याद रहे कि ये वेबसाइट है. ओके, सो लैंडस्लाइड्स ऑकर इन हिली एरियाज ड्यू टू द क्लाउड ब्रस्ट और द हेवी रेन. सच ओकेजन्स डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ द हिल. लैंडस्लाइड्स कहाँ होती है? जब हिली एरिया होता है ना, जहाँ पे विच ऑकर इन हिली एरियाज. अगर ऐसे होने वाला या हो रहा है तो डोंट टेक शेल्टर नियर द फुट ऑफ द हिल्स. मीन्स जो भी हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, उसके नीचे जाके नहीं रहो भाई. उसके मराठी में बोलते पायथ्याशी नहीं जायच. कारण ते लैंडस्लाइड जब हो रहा है तो ऊपर से मिट्टी गिरती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, जो भी होता है, जिसकी वजह जाल माल का नुकसान हो सकता है. तो आपको वहाँ पे जाना अवॉइड करना है. ड्यूरिंग द फ्लड डू नॉट लिंगर इन हाउसेस और एरियाज इन रिवर बैंक. सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेसेस. मूव द सेफर प्लेसेस एट ग्रेटर हाइट. डू नॉट स्टेप इन टू द वाटर करंट एंड ड्राइव द व्हीकल इन टू देम. देखो आप क्या होता है, फ्लड्स आता है, आपको बताया भी जाता है, वार्निंग भी दी जाती है कि घर में पानी घुस सकता है. लेकिन लोग क्या करते हैं, घरों में ही रहते हैं, बोलते हैं हमारा घर है, इसे छोड़ के कहाँ जाए. ओके, तो आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए. आपको वो घर तुरंत छोड़ के ऐसे जगह जाइए जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, रहने की सहूलियत दी जा रही है. देखो सब चला गया तो चलेगा, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए. अपनी जाने तो बचनी चाहिए ना, तो बोलते हैं ना, हाँ, जान बची तो लाखों पाए, है ना. तो उस तरह से आपको सोचना चाहिए कि अपनी जान कैसे बचाए, अपने लोगों की जान कैसे बचाए, अपने जानवर जो रहते हैं घर में, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह, उनकी जान कैसे बनाए. आप वो बैंक ऑफ रिवर पे मत रुकिए, किनारे पे मत रहिए, जहाँ पे फ्लड आ रहा है उस एरिया में मत रहिए. आपको वो छोड़ के ही जाना है, ऐसे जगह जाना है जहाँ आपको शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, हाँ, रिलीफ जहाँ पे आपको किया जाएगा, रेमेडी आपको जहाँ दी जाएगी उसी जगह आपको जाना है. समझे आप?
क्योंकि फ्लड अभी तो इन फ्यूचर बहुत सारे आने वाले, हम देखने वाले हैं हमारे लाइफ में, तो हमको ये प्रिकॉशंस लेना है। ओके, क्या प्रिकॉशंस लेना है ये अभी हम पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो इसके लिए सीख रहे हैं कि अगर हम पे मुसीबत आ जाए, आप किसी डिजास्टर में फंस जाए, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज। ओके, हाउ कुड यू टेक प्रिकॉशंस इन सच काइंड ऑफ केस। ओके, इट मस्ट नॉट बी हैपन, वी फील दैट, बट इफ हैपन टू अस फिर क्या करना चाहिए। हो सकता है ना, अगर कुछ हो गया, हादसा या डिजास्टर आ गया, तो हमको सतर्क ही रहना है। मीन्स हमको पहले से अगर जानकारी हो कि इस चीज़ में ये करना है, वो चीज़ में वो करना है, ये अवॉइड करना है, इसे फ़ायदा होगा इसे नहीं होगा, तो हमको वो बातें पहले से ही समझ में आनी चाहिए, पहले से ही हमने करनी चाहिए। ओके, नाउ यर ड्यूरिंग एन अर्थवेक रोड स्प्लिट स्लिप्स ओपन एंड द ग्राउंड क्रैक्स, रेलवे ट्रैक गेट अपरूटेड, हैंस वेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंश्योर दैट रोड इन द सेफ फर्दर ऑन। अर्थवेक जब होता है तो क्या होता है पता है ना, क्रैक पड़ जाते हैं रास्ते में, क्रैक पड़ जाते हैं, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो उखड़ जाता है, तो बहुत सारे झाड़ या घर ये सब चीज़ें रोड पे आके गिरती है। तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि जहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है तो वहाँ से हमको कैसे निकलना है। आप इंश्योर करके ही निकलना है कि आप पे कुछ गिरेगा नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, होगा नहीं। ओके, टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स एंड प्रोवाइड मेडिसिंस, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड फर्स्ट एड। रिलीफ कैंप तो होते ही है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो भी विक्टिम है एज डिज़ास्टर का, वो आके अपने अपने लिए शेल्टर एज वेल एज द फैसिलिटीज व्हाट यू रिक्वायर्ड बेसिक नीड प्रोवाइड बाय दिस कैंप। दैट्स वाई यू हैव यू मस्ट कम देयर, यू मस्ट स्टे देयर एंड सेव योर लाइफ। देन टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फायर, यूज फायर एक्सटिंग्विशर इन द पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा। गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, अगर जाल वहाँ पे कुछ आग अगर कुछ है तो आपको क्या करना चाहिए, फायर एक्सटिंग, सबको पता है फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करके वो आग को हम बुझा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा, वहाँ पे आपको ये लेके जाने जाके मीन जो भी काम कर रहे हैं रिलीफ का वो लोग, और वहाँ पे जाल माल का नुकसान ना हो, आग से सबको बचाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर इज गिवन हियर, सी सम डायग्राम इज गिवन हियर, टीवी न्यूज इन कंप्यूटर वेबसाइट नेम इज गिवन, देन द वन लिसनर इज हियर, वी सी दैट विथ रेडियो एंड रिलीफ कैंप इज देयर एज वेल एज रेमेडियल प्रिवेंटिव मेजर फॉर दिस फायर एक्सटिंग्विशर एंड हाउ टू टेक शेल्टर हियर इन अर्थवेक। कहाँ पे वो आदमी कहाँ पे है, किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। तो ऐसे ही आपको बातें पता होनी चाहिए कि जब कुछ हो जाए तो करना क्या है। ओके, फर्स्ट एड, डे टू डे लाइफ द समटाइम्स वी हैव टू फेस डिजास्टर और एक्सीडेंट ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शंस। ऑन सच ओकेजन इट इज़ नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट्स बिकम्स अवेलेबल। देखो, कुछ हादसे हमारे सामने होते या हम हादसे का शिकार हो जाते तो हमको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के पहले कुछ करना चाहिए ना, तो वो क्या होता है, फर्स्ट एड होता है। ये फर्स्ट एड के बारे में सबको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ वी सी हियर द हाउ वी गिव फर्स्ट एड टू दैट विक्टिम। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अगर किसी को एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है, जख्मी है कोई और उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। इफ़ ए पर्सन इज ब्लीडिंग, फर्स्ट मेक हिम स्लिट और लाई डाउन कंफर्टेबली, कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउ द लेवल ऑफ द हार्ट एंड क्लीन इट विथ वाटर। अगर जिसका ब्लीडिंग हो रहा है उसको पहले से ऐसे पोजिशन में लाओ कि उसका जो जख्म है, वोंड है, वो हार्ट के पोजिशन से ऊपर होगा, लेवल से ऊपर होगा, और उस पर पानी डालो और अच्छे से धो लो। ओके, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट है बर्न्स एंड स्कार्ड। बर्न्स एंड स्कार्ड, अगर माइनर बर्न्स है तो क्या करना चाहिए, माइनर मीन थोड़े से और मेजर मीन्स बहुत ज़्यादा। अगर माइनर है तो इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश विथ वाटर एंड हेल्ड अंडर द वाटर। जो इंजर्ड पार्ट है उसको पानी के नीचे
रखो या फिर उसमें से उसमें पानी डालो. गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, उसको पानी पीने के लिए दे. क्लीन द वुंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैब सोक इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डुबोया गया कॉटन, उससे उसको पोंछ लो. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइनमेंट, ऑयली ऑइनमेंट होता है ना वो, उस पर कतई अप्लाई नहीं करना है. कवर द वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, और उसको क्या करना है, ड्राई ड्रेसिंग से ही हमको उसको कवर करना है. ओके, अप टू टेक मेडिकल हेल्प, जब तक नहीं मिलता है तब तक. सीरियस बर्न, गिव इमोशनल सपोर्ट, ज़्यादा बहुत सीरियस ही बर्न हुआ है तो उसको क्या करना है आपको, फर्स्ट इमोशनल सपोर्ट. कवर द वुंड्स विथ स्टरलाइज क्लॉथ, स्टरलाइज क्लॉथ से उसको कवर कर लेना है. रिमूव ज्वेलरी शूज इफ इजीली पॉसिबल, जो पहने हुआ है उन्होंने ज्वेलरी है या शूज है या कुछ और है वो आपको रिमूव करना है. इफ पॉसिबल, आप डॉक्टर नहीं हो तो आपको आपसे होता है तो आप करना है. डू नॉट टच द ब्रश द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, जिससे बर्न होता है मेजर तो क्या होता है, बड़े बड़े फोड़े आते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, उसको आपको फोड़ना नहीं है, उसको हाथ लगाना नहीं है. डू नॉट टच इट, डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइनमेंट, अगेन हियर इज गिवन. डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न पर्सन, देखो कॉटन का कपड़ा है तो वो चिपकता नहीं है, बर्न हो गया तो किसी को जल गया तो चिपकता नहीं, लेकिन सिंथेटिक कपड़े हैं ना वो स्किन से चिपक जाते हैं, तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो जो ऊंड है, जख्म है वो बढ़ जाएगा, तो आप उसको रिमूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर अपना काम कर लेंगे तो आपको वो करना नहीं है. डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इट इज स्टक टू द बर्न स्किन. इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक, अगर पेशेंट होश में है तो उसको पानी पीने के लिए दे, लेकिन कॉफ़ी चाय या स्टिमुलेट करने वाले जो भी अदर पेय होते हैं उसको बिल्कुल ही न दे. ओके, दैट वी सीन अबाउट बर्न्स, हाउ डू फर्स्ट एड टू दैट पेशेंट दैट विक्टम. नाउ सी हियर सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक सबको पता है ना, और समर सीजन में तो ये होता ही होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसके कारण ये होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे. सनस्ट्रोक, व्हेन वी वर्क इन द सन कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम द बॉडी लॉसेस अ लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज द रीज़न फॉर सनस्ट्रोक. जो बॉडी में आपका पानी का लेवल है, मिनरल्स है, उसका लेवल कम हो जाता है तो आपको सनस्ट्रोक हो सकता है. उसके रेमेडियल में जिसके आए भी देखो, टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस इन द शेड, तो प्लीज़ कीप पुट दैट और कीप दैट पेशेंट, टेक दैट पेशेंट टू अ कूल प्लेस और शेड. स्पंज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, स्पंज करो होल बॉडी को. प्लेस ए क्लॉथ सोक इन अ कोल्ड वाटर ऑन द नेक, ओके, जो क्लोथ है वो पानी में डुबाया हुआ वो आप सोक करके उसके नेक पे रख सकते हो. प्लेस ए क्लोथ, गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत टू ड्रिंक, ओके, उसको पानीदार चीज़ें दे, जैसे कि शरबत है, विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप लेमन शरबत उसको दे सकते हैं, जिससे पानी की मात्रा भी कम होती है, सॉरी बढ़ जाती है. तो आपने वो ORS का घोल तो सुना ही होगा ना, घर में बनाते हैं ना, एक ग्लास वाटर, उसमें एक टेबल स्पून चीनी और थोड़ा सा चुटकी भर नमक, ये घरगुती ORS बन गया घरेलू, तो वो भी आप दे सकते हैं, जिससे पानी की कमी आपके शरीर की कमी निकल जाती है, मीन शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है. जैसे ये ज़्यादा दस्त हो जाए बच्चों को तो देते हैं ना, तो डिसेंट्री लगे तो भी आपको ये लेना चाहिए. अगर आपको पानी की लेवल मेंटेन करनी है शरीर में तो आपको ये लेना ही चाहिए. प्लेस ए क्लॉथ सोक इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड शरबत टू ड्रिंक. इफ द पेशेंट फील्स लाइक वोमिटिंग, मेक हिम टू लाइफ प्रोन, इट इज ऑन हर्स एब्डोमिन टू द हेड, टर्न टू द वन साइड. अगर वो पेशेंट को उल्टी मलमल जैसा हो रहा है तो क्या करना है, तो उसको हेड टर्न टू वन साइड और एब्डोमिन के पोजीशन पे उसको लेटा. ओके, ये हम कर सकते हैं जब तक हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाती है हमको, डॉक्टर की ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होती है तब तक. गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल, या तो आप डॉक्टर को वहाँ पे बुलाओ
पॉसिबल नहीं है तो पेशेंट को ही डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं तो यही कहूँगी कि डॉक्टर आपके पेशेंट तक पहुँचने से अच्छा है कि आप ही पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाओ, है ना। और हार्ट अटैक में ये चीज़ तो करनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक पेशेंट वेट करेगा डॉक्टर की, उससे अच्छा है कि उसको आने में जितना टाइम लग रहा है उससे वो टाइम हम घटाए वहाँ पे जाके ही ना, राइट। उसको समझेगा फिर वो आएगा, उसमें चार दिक्कतें उसको रास्ते में आएगी, उससे अच्छा है कि हम ही पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाए। मीन्स इम्पॉसिबल, हर बार ये संभव नहीं है, लेकिन अगर कर सके तो। मीन्स अलर्टनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अलर्ट आप अलर्ट रहो ये भी ज़रूरी है, सिचुएशन की नज़ाकत आपको हो ये भी ज़रूरी है, और इसके हिसाब से आपको जो भी डिसीजन लेना है वो उसके हिसाब से लेना है। तो आपको सदैव ही अलर्ट रहना है, ओके। नेक्स्ट इज स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट हो जाए तो क्या करना है। देर आर नियरली 2000 स्पेसीज ऑफ द स्नेक, दिस ऑफ ओनली दिस फ्यू लाइक्स कोबरा, क्राइट्स, वाइपर एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस। 2000 प्रजातियाँ हैं स्नेक की, उसमें से ये वाइपर, कोबरा, क्रैट्स ये ही पॉइजनस है, लेकिन हमको हर एक स्नेक देखा तो क्या होता है, डर की भर जाते हैं, वाह भाई ये इसने काट लिया तो, हम हर एक स्नेक से डर जाते हैं। देयरफॉर ऑल द स्नेक बाइट्स आर नॉट फर्टाइल। अगर दूसरे प्रजाति के स्नेक ने अदर देन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस ने अगर काटा तो वो उससे डेथ नहीं होती है, इट्स नॉट फर्टाइल, मीन्स डेथ नहीं होती है। However, the fever causes severe psychological shock, which can result in a death. मुझे सांप ने काटा है, मुझे सांप ने काटा है, अगर ऐसे मन ने ठान लिया, डर गए आप, तो वो सांप के पॉइजन से नहीं, लेकिन आपको डर के मारे आप मर जाओगे, और ये बहुत बार होता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि वो स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस, आपको वो नॉन पॉइजनस से एक स्नेक ने भी काट लिया तो ऐसे लगता है कि बाप रे मुझे स्नेक ने काटा, स्नेक ने काटा, और वो फियर माइंड में बैठ जाता है और आप उससे डेथ हो जाता है, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक, कॉन्टेक्ट अ सर्प मित्र रदर देन किलिंग द स्नेक। देखो हम है प्रजाति, वैसे ही स्नेक भी एक एनवायरनमेंट की प्रजाति है, तो आपको कहीं स्नेक दिखे तो उसको मारने के बजाय, सर्प मित्र रहते हैं ना हर एक एरिया के, सर्प मित्र का मोबाइल रखो, फ़ोन नंबर रखो, उसको कॉल करो और बोलो यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे स्नेक देखा है, उसको लेके जाओ, वो लेके जाएंगे, वो जंगल में छोड़ते हैं उनको, मारते नहीं है, तो आप भी बच जाओगे और बेचारा स्नेक है वो भी बच जाएगा, ओके। एंड दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, आई थिंक वी शुड कंजर्व अवर नेचर बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ आइडियाज। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बाबा सांप है, सांप है, चार लोग आते हैं बीच में लाठी लेके उसको बेचारे को मार डालते हैं, है ना, वो खुद ही डरा हुआ होता है इसलिए इधर उधर दौड़ता है, और हम लोग उससे डरे होते हैं, वो हमसे डरा होता है और हम उससे डरे होते हैं, और उसमें ही गड़बड़ी में हम उसको मार डालते हैं। तो इससे अच्छा है कि सर्प मित्र को कांटेक्ट करो और उसे जंगल में छोड़ दो, और ऑलवेज रिमेंबर दैट स्नेक इज़ द फ्रेंड ऑफ अवर फार्मर, है ना वो तो फार्मिंग में उसका हेल्प ही होता है इनडायरेक्टली, तो हमको उसका भी कंजर्वेशन करना चाहिए। रेमेडियल मेजर्स, स्नेक बाइट में रेमेडियल मेजर्स क्या है, देखो वॉश द वाउंड विथ वाटर, गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, टाई अ क्लोथ टाइटली अबाउट द वाउंड, गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। अगर किसी ने काटा है तो उसमें पानी डालो, उसके बाद जहाँ पे काटा है उसके तुरंत उसके ऊपर थोड़ा सा क्लॉट टाई करो कि ब्लड सर्कुलेट ना हो, ब्लड सर्कुलेशन वहीं पर थम जाए, that blood circulation must be stopped there, okay, that's why that poison is not going towards to your heart, you have to tie that cloth over there as well as wash that wound immediately and seek the medical help and give emotional support to that patient that nothing is going to happen to you, it's very very important, emotional support is important, due to lack of emotional support also so many people could die due to this snake bite, okay. Then dog bite, see, in a dog bite there is a risk of infection through the blood, hence first aid and medical helps are necessary. Dog ne agar kaat liya aapko aur aap khoon mein chala gaya hai tabhi aapko rabies ho sakta hai, to iske liye aapko medical help bahut hi zaruri hai. Uske remedials kya hai, wash the wound with a solution of potassium permanganate or other antiseptic. Ye potassium permanganate पता है ना आपको KOH, तो ये आपको मेडिकल में मिल जाएगा,
वो पर्पल कलर बनता है पानी में डालने के बाद, उससे आप धो लो या साबुन से धो लो या कोई अदर एंटीसेप्टिक डेटॉल साबुन है या कुछ और है उसे धुल लेना वो जो ऊंड है वो। कवर द ऊंड विथ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, जो ऊंड है उसको कवर कर लो क्लीन और ड्राई क्लॉथ से। गेट अ डॉक्टर हेल्प्स एंड इंजेक्शन ऑन द एंटी रेबीज वैक्सीन, ये एंटी रेबीज वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉग बाइट हो गया तो आपको ये लेना ही लेना है, नहीं तो आपको रेबीज होके आपकी जान भी जा सकती है। ओके, दिस चैप्टर इज ओवर। व्हाट वी लर्न दिस चैप्टर, फर्स्ट वन, अ सडन कैलामिटी इज नोन एज डिजास्टर। सेकेंड, डिजास्टर कैन बी मैन मेड और नेचुरल। अलर्टनेस एंड इमीडिएट एक्शंस आर नेसेसरी फॉर सच ओकेजंस। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ रेमेडियल मेजर्स कैन बी हेल्प टू रिड्यूस द लॉसेस। एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड। तो आपको हर एक को फर्स्ट एड सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पता ही होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे मुंबई में एक आग लगी थी बहुत बड़ा, और आई थिंक सायन में ही आग लगी थी बहुत बड़े बिल्डिंग में। तो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको फर्स्ट एड की व्हाट यू सेड फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन था उनको कि क्या करना है। तो इतना बड़ा फ्लोर पर उन्होंने सब जो लोग थे वहाँ पे उनको बोला कि आपकी जो भी हैंडकरचीफ है वो सब पानी में डुबो के नाक पे लगाओ सोख करके, और सब ने वही किया। तो उनको क्या हो गया, सांस लेने में आसानी हो गई और सबकी जानें बच गई। और उन्होंने ये भी बोला कि डोंट ट्राई टू गेट लिफ्ट, तो सब स्टेप से नीचे आए और सबकी जानें बच गई। तो हमको भी ऐसे अलर्ट स्टूडेंट अलर्ट सिविलियन बन के रहना है ना, तो आपको ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो होमवर्क आपको ये है कि ये जो भी एक्सरसाइज है सॉल्व दैट एक्सरसाइज। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू मे कॉल मी। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।